ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ത്യ. Monday to Friday, back to back classes, live from studio. Aaj hi subscribe kare Wi-Fi study channel ko. Hello, good हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग. स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में, विच इज पार्ट ऑफ वन अकेडमी ग्रुप. फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स क्या चाल है आप लोगों के? तो देखिए, अपना फ्लूड मैकेनिक्स का ये आखिरी टॉपिक बचा है, सेंट्रीफ्यूगल पंप. पूरी कोशिश करेंगे तो आज खत्म हो जाए, वरना कल तो 100% कंप्लीट हो ही जाएगा. और परसों से अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स. तो अपने कितने सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो चुका है, फ्लूड मैकेनिक्स हो चुका है, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप होते पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा. इसके बाद में थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में प्रोडक्शन वगैरह, ये आपका जल्दी से आराम से सिलेबस हो जाएगा. क्लियर? तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फ्रेंड्स, इसको मैक्सिमम शेयर करिए. हो सकता है बहुत बच्चों को टाइम नहीं पता हो कि 11 बजे का, बताओ सॉरी, आपको पता है कि जो टाइम है अपना चेंज हो गया, 9 बजे का टाइम हो गया है ना. चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं क्लास. देखिए, सेंट्रीफ्यूगल पंप हम लोगों को पढ़ना है. तो देखिए, सेंट्रीफ्यूगल पंप तो हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन एक्चुअल में सेंट्रीफ्यूगल पंप से पहले चीज क्या है? देखिए, तो एक अपनी चीज है हाइड्रोलिक मशीन. क्लियर? देखिए, हाइड्रोलिक मशीन क्या होती है? जो वाटर के पास में जो एनर्जी है उससे या तो मैकेनिकल में वर्क में चेंज करे. जो अपने पास हाइड्रोलिक एनर्जी है, हाइड्रोलिक यानी जो भी लिक्विड के पास एनर्जी है, वाटर के पास जो एनर्जी, जो हाइड्रोलिक एनर्जी को या तो फ्रेंड्स वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, या मैकेनिकल एनर्जी को वो हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करें. जैसे पंप क्या करता है, पंप का काम क्या है? पंप का काम ऑब्वियसली कोई भी जो लिक्विड है उसका प्रेशर बढ़ाना होता है. जैसे मान लीजिए कोई भी हम लोगों को वाटर यहां से जमीन से ऊपर तक राइज करना है. क्लियर? तो ये ऐसे तो पॉसिबल है नहीं, हम लोगों को वर्क करना पड़ेगा, इधर कुछ प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, लिक्विड को ताकत देनी पड़ेगी, उस लिक्विड को एनर्जी देनी पड़ेगी. क्लियर? तो फ्रेंड्स हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उसको शाफ्ट चलाते हैं ना पंप में, हम वर्क करते हैं, शाफ्ट चलती है, तो हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को उसकी हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. हाइड्रोलिक एनर्जी क्या कैसे बढ़ेगी, उसके प्रेशर बढ़ जाएगा. जैसे उसका प्रेशर बढ़ जाएगा तो फ्रेंड्स ईजिली वो क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा. क्लियर? और दूसरा केस में जैसे हाइड्रोलिक एनर्जी है, जैसे आपके पास क्या है, लिक्विड के पास में एनर्जी है, वो हाइट से आ रहा है, पानी क्या हाइट से आ रहा है. जैसे मान लीजिए ये आपके टर्बाइन का केस लेते हैं, जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स आपके हाइट पे क्या है, वाटर है. क्लियर? हाइट पे क्या है, वाटर है. ऑब्वियसली इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी. अगर इस एनर्जी को हम लोग फ्रेंड्स क्या करें, पाइप के थ्रू फ्रेंड्स इस वाटर को फ्लो कराए पाइप के थ्रू, तो जो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी है किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में होगी. और यदि इस एनर्जी को जो हाइड्रोलिक एनर्जी है, जो इस लिक्विड के पास एनर्जी है फ्रेंड्स, यदि इसको फ्रेंड्स एक टर्बाइन पे घेरते हैं, इसकी ब्लेड होती है, ब्लेड घूमेगी तो फ्रेंड्स हमको मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी. ठीक है, हमारी गाड़ियां चलती है हमारे इस, और इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं. क्लियर? तो यहां पर लिक्विड के पास एनर्जी है, हाइड्रोलिक एनर्जी है, उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मैकेनिकल में. क्लियर? तो फ्रेंड्स ये दोनों चीज आपको समझ में आ गई होगी, कि हाइड्रोलिक मशीन क्या होती है, या तो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, या मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करे. अब बात करते हैं हाइड्रोलिक मशीन कितने टाइप की होती है. क्लियर? तो देखिए, तो हाइड्रोलिक मशीन बेसिकली दो टाइप की आपकी हाइड्रोलिक मशीन होती है. पहला टर्बाइन. क्लियर? और दूसरी चीज क्या है, पंप. तो पंप का, टर्बाइन का काम क्या होता है, जो हाइड्रोलिक एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट करना, मैकेनिकल में. हाइड्रोलिक को किस में कन्वर्ट करना, मैकेनिकल में.
किसमें? मैकेनिकल में। और जो पंप है, पंप क्या करता है, पंप में हम वर्क करते हैं, शाफ्ट चलाते हैं, हम लोग मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, मैकेनिकल वर्क करते हैं। और जब शाफ्ट रोटेट होती है तो उस लिक्विड का क्या हो जाता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, यानी उसकी हाइड्रोलिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो पंप क्या करता है, जो मैकेनिकल एनर्जी होता है, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब टर्बाइन कितने टाइप के होते हैं, टर्बाइन बेसिकली आपके दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है आपका इंपल्स, एक होता है फ्रेंड्स आपका क्या होता है, इंपल्स, एक होता है आपका रिएक्शन टर्बाइन। क्लियर? एक होता है आपका इंपल्स टर्बाइन, एक होता है रिएक्शन टर्बाइन। सिमिलरली पंप को यदि मैं ब्रॉडली ऐसे, तो पंप के बहुत ज़्यादा टाइप होते हैं, लेकिन अगर मेनली मैं टाइप करूँ, क्लासीफाइड करूँ, तो उसके भी दो टाइप होते हैं। एक तो होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप, एक होता है आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप, क्लियर, और एक है आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप। बताइए, अरे आवाज़ वगैरह सब सही आ रही है? देखिए दोस्त, इसको मैक्सिमम आप शेयर करिए, इससे क्लास में ऐसा मज़ा नहीं आएगा, 200 बच्चे देख रहे हैं, फिर कल से परसों से हमारा नया सब्जेक्ट भी स्टार्ट होगा। आईपीएल सब कुछ नहीं है, आईपीएल में ज़िंदगी निकल जाएगी, लास्ट वैकेंसी है, आरआरबी जेई, इसको कर लीजिए, इसके बाद में कभी कुछ वैकेंसी इतनी आने वाली नहीं है। क्लियर? तो ये हमारी बात हो चुकी है। बात करते हैं ये इंपल्स टर्बाइन कौन सा होता है, बात करते हैं रिएक्शन टर्बाइन कौन सा होता है। देखिए फ्रेंड्स, टर्बाइन का काम क्या होता है कि जो भी हाइड्रोलिक एनर्जी होती है, जो भी लिक्विड के पास में जो एनर्जी है, उसको किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यदि इंपल्स टर्बाइन कौन से होते हैं, जो आपकी जो लिक्विड है उसकी केवल काइनेटिक एनर्जी को यूटिलाइज करके उसको मैकेनिकल वर्क में चेंज करे, यानी लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी को यूज करके, लिक्विड की अगर काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा को, उसकी काइनेटिक एनर्जी को यदि मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, तो ये आपका कौन सा टर्बाइन है, आपका इंपल्स टर्बाइन है। क्लियर? यदि फ्रेंड जो लिक्विड के पास लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों को अगर हाइड्रोलिक में, सॉरी मैकेनिकल में कन्वर्ट करे, दोनों को मैकेनिकल में कन्वर्ट करे, तो ऐसे टर्बाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्शन टर्बाइन हम लोग बोलेंगे। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर? बात करते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपने साइकिल के टायर में जब हवा भरते हैं, कुछ ऐसा देखा होगा, बताइए ऐसे हवा भरते नहीं भरते, तो वो भी क्या करता है, रेसिप्रोकेट ही तो कर रहा है, वो भी तो कहीं ना कहीं एक रेसिप्रोकेटिंग पंप का ही फ्रेंड्स का एग्जाम्पल है। क्लियर? जब हम लोग उसको ऐसे करते हैं, समझ में आ रहा है, वो रेसिप्रोकेट ही तो करता है, वो रेसिप्रोकेट ऐसे रेसिप्रोकेट ही तो करता है। बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप की। तो जो हम लोगों को पढ़ना है फ्रेंड्स, मेनली जो हम लोगों को पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में दे रखा है, वो क्या है, आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो हेडिंग आप लोग डाल लीजिए सेंट्रीफ्यूगल पंप। क्लियर? सेंट्रीफ्यूगल पंप हेडिंग आप लोग डाल लीजिए। देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क कैसे करता है, ध्यान से देखिए, सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा। क्लियर? टर्बाइन पढ़ा दो, अरे पहले ये तो पढ़ लो, पंप जो सिलेबस में पहले वो तो पढ़ लो। क्लियर? देखो अब देखिए, जो आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप है ये वर्क कैसे करता है, ध्यान से समझिए फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है, ये आपकी एक शाफ्ट लगी होती है, एक शाफ्ट है ना, जैसे मान लीजिए रॉड दिख रही है, रॉड एक शाफ्ट है, मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये आती हुई आपके सामने आती हुई फ्रेंड्स, ये क्या है, आपकी शाफ्ट है, ठीक है। क्लियर? तो ये आपके सामने आती हुई फ्रेंड्स क्या है, शाफ्ट है। इस शाफ्ट के ऊपर एक क्या माउंटेड होता है, एक माउंटेड होता है फ्रेंड्स आपका क्या होता है, इंपेलर। क्या माउंटेड होता है, इंपेलर। सामने देखिए, ये इंपेलर है जो मैंने पर्पल कलर में बनाया ना, ये क्या है, शाफ्ट है आपके ऊपर आती हुई, ठीक है। और इसके ऊपर मान लो एक पहिया लग रहा है ना, एक पहिया लग रहा है, ये क्या होता है, इंपेलर। इस इंपेलर के ऊपर फ्रेंड्स क्या होती है, ब्लेड्स लगी होती है। इस इंपेलर के ऊपर क्या लगी रहती है, ब्लेड्स लगी रहती है, ऐसे ब्लेड्स लगी रहती है, ऐसे क्लियर, ऐसे ब्लेड्स लगी रहती है, ऐसे ब्लेड्स लगी रहती है ऐसे। क्लियर? वापिस समझते हैं क्या चीज मैंने बोला, कि जैसे आपने देखा होगा साइकिल का जो पहिया होता है ना, साइकिल का जो पहिया होता है,
क्लियर। साइकिल का जो पहिया होता है, तो मान लो ये पूरा एक साइकिल के पहिए के जैसा ही है। ये शाफ्ट है, ये जो पर्पल कलर की शाफ्ट है, शाफ्ट क्योंकि घूमेगी, शाफ्ट घूमेगी। तो ये फ्रेंड्स ये पूरा जो मैंने आपको बताया, ये पूरा क्या है, पूरा क्या है, इंपेलर है। इंपेलर भी घूमेगा। इंपेलर में क्या है ये फ्रेंड्स, ये क्या लग रही है, ब्लेड्स लग रही है। एक्चुअली मैंने ब्लेड्स ऐसे बनाई है, लेकिन ब्लेड्स ऐसे होती है, ये ब्लेड्स क्या होती है, ऐसे होती है कुछ, है ना, ऐसे इसमें से अभी लिक्विड यहाँ से निकलेगा, बताऊंगा आपको, लिक्विड ऐसे जाएगा, क्लियर। तो फ्रेंड्स ये जो ब्लेड्स होती है, ये ब्लेड्स कौन सी होती है, ये आपकी होती है बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स। ब्लेड बोल सकते हैं या वेन बोल सकते हैं, है ना, वेन बोल सकते हैं आप लोग, या फिर क्या बोल सकते हैं, ब्लेड बोल सकते हैं, दोनों बात एक ही है। तो ये कौन सी होती है, बैकवर्ड कर्व्ड ब्लेड, जो हमारी क्या होती है टर्बाइन में जो यूज करते हैं, टर्बाइन में ऐसे यूज करते हैं, टर्बाइन में क्या होती है, ऐसे होती है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड कर्व्ड वेन। और हम जो पंप में यूज करते हैं वो ऐसे करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, इसको बोलते हैं बैकवर्ड कर्व्ड वेन। क्यों, क्योंकि जो फॉरवर्ड कर्व्ड वेन होती है सेंट्रीफ्यूगल पंप में, उसकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं होती, इसलिए हम लोग कौन सी यूज करते हैं, बैकवर्ड कर्व्ड वेन। तो ये क्वेश्चन आपका एसएससी जूनियर इंजीनियरिंग में आ रखा है कि इसमें कौन सी वेन्स, कौन सी ब्लेड यूज करते हैं फ्रेंड्स, बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स। या फिर आप बोल सकते हैं ब्लेड, ठीक है। दूसरी बात ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, यहां पर क्या होता है, नीचे हमारे पास क्या होता है, पानी होता है, नीचे क्या होता है, पानी होता है, जिसको हमको लिफ्ट करना होता है। ये मान लो ये पानी है, इसको हमको क्या करना है, लिफ्ट करना है, उठाना है, लिफ्ट करना है, उठाना है, क्लियर। ये पानी हम लोगों को उठाना है, और मान लीजिए इस जगह पर हमको छोड़ना है, है ना, यहाँ तक लेके जाना है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क कैसे करेगा देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग बोलते हैं सम्प लेवल, इसको हम लोग बोलते हैं सम्प लेवल, इसको फ्रेंड्स हम लोग क्या बोलते हैं, सम्प लेवल। सम्प का मतलब क्या है, जहाँ से हम लोगों को पानी उठाना है, जहाँ से हम लोगों को लिक्विड क्या करना है, राइज करना है, और लेके कहाँ पर जाना है, मान लो एक हाइट तक लेके जाना है, तो वहाँ पर हमको डिलीवरी करना है, यहाँ से क्या करना है, हमको उठाना है, क्लियर। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोगों को, ये जो आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप है, यहाँ से पानी क्या करे, सक करेगा, सक करेगा मतलब अपने अंदर लेगा, सक करेगा। तो ये आपका कैसे करता है, ये होता है आपका सक्शन पाइप होता है, ये फ्रेंड्स आपका क्या होता है, सक्शन पाइप होता है, सक्शन पाइप होता है जो इसके अंदर तक डूबा होता है। ये आपका जो मैंने ग्रीन कलर का बनाया, ये क्या होता है फ्रेंड्स, आपका सक्शन पाइप होता है, सक्शन पाइप होता है, क्लियर। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये चीज मैंने क्या बताई आपको, ये पूरी चीज क्या है, ये आपकी पूरी चीज क्या है, ये इंपेलर है, ये क्या है, इंपेलर है, इंपेलर है ना, इंपेलर। जो पार्ट घूमता है ना, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो रोटेटिंग पार्ट होता है ना, जो घूमने वाला पार्ट है, कौन सा, यही है, जो चक्री है ना, यही घूमती है, ये क्या है, इंपेलर बोलते हैं। इंपेलर क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का वह भाग, रोटेटिंग पार्ट, रोटेटिंग पार्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज नोन एज इंपेलर। जो पार्ट रोटेट कर रहा है ना, जो आपका पार्ट ऐसे रोटेट करेगा, ये ऐसे रोटेट करेगा, ये आपका कौन सा है फ्रेंड्स, इंपेलर है, क्लियर। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब होता क्या है, ध्यान से समझिए, इसके चारों ओर फ्रेंड्स, इसके चारों ओर क्या होती है, केसिंग होती है। केसिंग क्या होती है, बिल्कुल ढंग से समझाता हूँ, ये केसिंग कुछ ऐसी होती है, ध्यान से देखिए, इसके चारों ओर जिसका एरिया क्या होता है, कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, कंटिन्यूसली इसका एरिया क्या होता जा रहा, बढ़ता जा रहा है कंटिन्यूसली। अभी दूसरा डायग्राम बना दूंगा, कंटिन्यूसली इसका एरिया क्या होता है, जब बढ़ता जा रहा है ना, ये एरिया क्या कम है, कम है, कम है, कम है, कम है, और ये एरिया क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और ये फ्रेंड्स कहाँ तक जाएगा, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स डिलीवरी वॉल्व, ठीक है, डिलीवरी पाइप बोल सकते हैं आप लोग, डिलीवरी पाइप। जो भी फ्रेंड्स इससे पाइप, इससे जो भी पानी डिलीवरी होगा, ठीक है ना, जो भी इससे पानी जाएगा वो इस पाइप के थ्रू जाएगा, इसलिए इसको बोल रहा हूँ डिलीवरी पाइप, क्लियर। दूसरी चीज, अब होता क्या है फ्रेंड्स, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इसका डायग्राम मैं वापस ढंग से बना दूंगा, लेकिन इधर थोड़ा सा समझने की आप लोग कोशिश करिएगा, क्लियर। बताइए बताइए, अरे समझ गए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले चीज होती है प्राइमिंग ऑफ पंप। प्राइमिंग ऑफ पंप क्या होता है, किसी भी चीज की जो स्टार्टिंग होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमिंग। तो स्टार्टिंग ये नहीं है कि भैया शाफ्ट चलाई, इंपेलर घूम गया, नहीं। प्राइमिंग ऑफ पंप क्या है, इसके अंदर फ्रेंड्स सब जगह हम लोग क्या भरते हैं, पानी भरते हैं, सब जगह फ्रेंड्स क्या भर देते हैं, पानी भर देते हैं, सब जगह क्या भर देते हैं, पानी भर देते हैं, सब जगह क्या भर देते हैं, पानी भर देते हैं। दिस इज नोन एज प्राइमिंग ऑफ पंप। इसका कारण क्या है, इसके दोनों कारण बताऊंगा कि हम लोग एयर में क्यों नहीं चलाते, पहले पानी क्यों भरते हैं, इसका कारण क्या है मैं बताऊंगा, बिल्कुल पहले मैं इधर बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट वाला कारण है वो बता दूंगा, उसके बारे में मैं आपको जब डेरिवेशन करवाऊंगा, कैलकुलेशन वाला कारण मैं आपको बता दूंगा, क्लियर।
यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सब जगह हम लोग क्या करते थे, पानी भर देता है। ये जो पूरा यहाँ पर है हम लोग पानी भर देता है। इससे क्या होगा, जैसे ही फ्रेंड्स आप लोग शाफ्ट चलाओगे, शाफ्ट चलाएगा क्या, इंपेलर घूमेगा नहीं घूमेगा, ये शाफ्ट आपकी रोटेट हो रही है, इंपेलर घूमेगा नहीं घूमेगा, बहुत तेज बताइए, बहुत तेज इंपेलर घूमेगा नहीं घूमेगा, घूमेगा इंपेलर बहुत तेज, ठीक है। आप कभी झूले झूले होंगे आपने ना, ऑब्वियसली मेले वगैरह में, तो मुझे एक चीज़ बताइए, यदि कोई झूला ऐसा है बहुत तेज, यदि ये घूम रहा है और आप इस जगह बैठे हो, तो आपको फ्रेंड्स एक फोर्स ऐसा लगता है कि जो आपको बाहर धकेल रहा है, जो फ्रेंड्स आपको क्या कर रहा है, बाहर धकेल रहा है, एक फोर्स ऐसा आता है जो आपको बाहर धकेल रहा है ना, आपको लगता है मैं बाहर गिरने वाला हूं। तो वो फोर्स कौन सा, आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो सिमिलरली जो वाटर यहाँ पर चारों ओर है उस पर भी फ्रेंड्स कौन सा फोर्स एक्ट होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होता है, जिसके कारण फ्रेंड जो आपका वाटर है, जिसके कारण जो वाटर है फ्रेंड्स कहाँ जाता है, बाहर जाता है। जो वाटर है क्या होता है, ऐसे बाहर जाता है, जो वाटर है ऐसा क्या होता है, बाहर की तरफ जाता है, वाटर क्या होता है बाहर की तरफ ऐसे जाता है, बाहर की तरफ, क्लियर, बाहर की तरफ जाता है। तो जो यहाँ का वाटर था ये बाहर की तरफ जाता है, तो फ्रेंड्स इधर का जो प्रेशर होता है ना, जो इस जगह का जो प्रेशर हो जाता है ना, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्लियर। इस जगह का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इधर का प्रेशर क्या ज़्यादा है, ऑब्वियसली इस जगह प्रेशर कौन सा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इस जगह का प्रेशर कम हो जाता है और इधर हाई प्रेशर है, तो ऑब्वियसली इस पाइप पे के थ्रू ये क्या कर लेता है, इसको सक कर लेता है, ठीक है, दिस इज नोन एज द सक्शन, क्लियर, ये सक्शन पाइप है। तो फ्रेंड्स यहाँ से फ्रेंड्स क्या हो जाता है, वाटर अपने आप राइज हो जाता है। कारण क्या है, क्योंकि हम लोगों ने प्राइमिंग ऑफ पंप करी, इसलिए क्योंकि जब ये चलेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये जो आपका वाटर है बाहर की तरफ क्या आएगा, खींचेगा, ठीक है, बाहर की तरफ जाएगा। इस जगह फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, आपका वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, इधर लो प्रेशर हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा, और फ्रेंड्स लो प्रेशर की वजह से जो ये वाटर है इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ तक छड़ जाएगा, क्लियर। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, अब इसके बाद में क्या हो जाएगा फ्रेंड, ध्यान से समझिए, जब ये वाटर बाहर जाएगा, जब ये वाटर बाहर जाएगा, क्या इसके पास में कुछ वेलोसिटी होगी नहीं होगी, कुछ स्पीड होगी नहीं होगी, मुझे बताइए, अरे मुझे बताइए, कुछ स्पीड होगी नहीं होगी, ठीक है, स्पीड होगी तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसके पास में काइनेटिक एनर्जी भी होगी, गतिज ऊर्जा भी होगी, बताइए, इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। फ्रेंड जैसे जैसे ये इस पाइप से जाएगा, ऑब्वियसली बाहर आएगा ना, इधर ही थोड़ी जम जाएगा, बाहर भी आएगा, तो जैसे जैसे इस एरिया से होके गुजरेगा, इस एरिया से होके गुजरेगा, ये एरिया कैसा है फ्रेंड्स, आपका डाइवर्जिंग है, ठीक है, एरिया क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एरिया क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे ही इस एरिया से जाएगा, क्या मुझे बताइए, क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी या नहीं होगी, मुझे बताइए, काइनेटिक एनर्जी कम होगी। और फ्रेंड्स आपको पता है टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी में फ्रेंड्स कमी हो रही है, ये किस में इंक्रीमेंट हो जाता है, इसके प्रेशर में इंक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है, इसके प्रेशर इसका बढ़ जाता है, तो फ्रेंड्स इसका प्रेशर बढ़ता जाता है, तो ऑब्वियसली जब वहां तक भेजेंगे हम लोग इजीली चढ़ जाएगा, और ये आपका डिलीवरी पाइप कहां पर जा रहा है, जहां पर हम लोगों को डिलीवरी करनी है, क्लियर, जिस पॉइंट पे, मैं मानता हूं इस पॉइंट पे आपको डिलीवरी करनी है, इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, तो ये आपका फ्रेंड्स क्या है, इस पॉइंट पे डिलीवरी करनी है, और किस पाइप के थ्रू होगा, इस पाइप के थ्रू, इसलिए इसको बोलते हैं डिलीवरी पाइप। अब देखिए जो ये सेंटर है ना, एसएससी जून इंजिंग में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो वाटर एंटर होता है कहां से होता है, फ्रेंड ध्यान रखिए कहां से होता है, सेंटर से होता है, कहां से होता है, सेंटर में होता है। तो अभी तक एसएससी जूनियर इंजिंग के जो क्वेश्चन आए हैं अभी तक, इसमें कौन से पूछे हुए हैं कि जो आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है उसमें कौन सी ब्लेड यूज होती है, आपकी बैकवर्ड कर्व्ड वेन यूज होती है। दूसरा क्वेश्चन जो था, ऐसे तो 10-15 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जैसे ही आपका अभी आज और कल में पूरा कंप्लीट हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल पंप, और 10 के 10 क्वेश्चन आप लोग इजीली कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये आया था कि जो आपका पानी एंटर होता है कहां से होता है, ऑब्वियसली फ्रेंड्स पानी एंटर कहां से होता है, आपका सेंटर से होता है, क्लियर। तीसरी बात क्या है, ध्यान से समझिए, अब फ्रेंड जो ये आपका सेंटर है ना, इसी से हम लोग सारे हेड का मतलब सारी हाइट क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो ये सेंटर है फ्रेंड्स, ये क्या है, ये सेंटर है, ठीक है, इस सेंटर से हम लोगों को फ्रेंड्स क्या करते हैं, मतलब जो भी पानी राइज करना है, जो वाटर सक करना है, तो फ्रेंड्स इसको और इस हाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंस को, इसको बोलते हैं सक्शन हेड, इसको हम लोग बोलते हैं सक्शन हेड, HS से मैं क्या कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सक्शन हेड, क्लियर। दूसरी बात क्या है फ्रेंड्स, आप लोगों को एक लेवल तक डिलीवरी करनी है, एक लेवल तक आपको क्या करनी है, डिलीवरी करनी है। उस लेवल से जो ये पाइप का जो सेंटर है, जो इसका सेंटर है, ये जो डिस्टेंस होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिलीवरी हेड, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिलीवरी हेड। यहाँ तक आपको यदि कोई भी समस्या हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, बताइए, ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी समस्या हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरी चीज फ्रेंड्स क्या होती है, दूसरी चीज मेरी बात ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, एक्चुअल में जो यहां पर होता है ना, जैसे ऑब्वियसली आपने
घर पे खाना बनाया होगा, है ना, आटा हम लोग लगाते हैं, तो आटे को पहले छानते हैं ना किससे, स्ट्रेनर से, छलनी से। तो इधर भी फ्रेंड्स एक क्या होती है कि स्ट्रेनर लगी रहती है, एक स्ट्रेनर लगी रहती है, एक स्ट्रेनर लगी रहती है, ठीक है, एक छलनी लगी रहती है। क्योंकि जब वाटर राइज होगा तो ऑब्वियसली यदि उसमें कुछ भी अगर इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी का मतलब कोई भी मान लो सिक्का वगैरह कुछ भी, एक नॉन मेटल्स वगैरह कुछ भी इसमें राइज नहीं कर जाए, है ना, इस वाटर के साथ में सक नहीं हो जाए, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक स्ट्रेनर लगी रहती है, छलनी लगी रहती है। अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिए, क्लियर। आगे चले, थोड़ा सा आगे चले, बताइए ये तो आपकी इसकी वर्किंग थी, पार्ट क्या थी, कैसे ये पार्ट करता है। मैंने बताया बैकवर्ड ब्लेड क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो फॉरवर्ड ब्लेड होती है ना उसकी एफिशिएंसी इसमें अच्छी नहीं आती। एफिशिएंसी की बात करेंगे, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड क्या होता है सारी चीज़ें बताऊंगा, कर्व्ड ब्लेड क्या, ये आपका कैविटेशन क्या होता है, कैसे होता है पंप में, कैसे हम लोग रोक सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। देखिए फ्रेंड्स आप मुझे बताइए, आप में से सारे मैकेनिकल वाले हैं, बताइए सारे मैकेनिकल वाले हैं, आप ही के लिए भले के लिए मैं कुछ बात पूछ रहा हूँ, बताइए। दीपांकर जी तेज से बोल रहा हूँ, आई हैव डाउट, कम से 50 बार तो मैसेज कर दिया, तो दीपांकर जी डाउट तो पूछिए क्या है, इतने टाइम थोड़ी होता है कि पहले आप बोलेंगे आई हैव डाउट, फिर मैं बोलूंगा यस पूछो, फिर बोलेंगे आप बोलेंगे चलो मैं पूछता हूँ, फिर ये बताओगे, ठीक है। मैकेनिकल वाले हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते, हाँ या ना में एक बार करो, सिलेक्शन आप लोग लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते, हाँ या ना। और सिलेक्शन दिलवाने की पूरी गारंटी वाईफाई टीम की है, हमारी है पूरी गारंटी है, पूरी गारंटी है। लेकिन यार आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तो करो, आप लाइव आते नहीं हो, आप सोच रहे हो कि मेरा ये फ्लूड मैकेनिक्स भी हो जाएगा, मेरा ये सॉम भी हो जाएगा, मेरा थर्मोडाइनिक्स भी हो जाएगा और मैं जूनियर इंजीनियर बन जाऊंगा और मेरी सैलरी आ जाएगी पहली 50,000 रुपये, तो ऐसा नहीं होगा, क्लियर। तो पहले आपको इधर दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, जब हम आपके लिए सुबह 6 बजे भी क्लास लगवाई, रात को 12 बजे भी लगवाई आपको पता है, और 9 बजे भी लगवा रहा, तो टाइम बिल्कुल सही है, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसी को, इस डायग्राम को मैं थोड़ा सिस्टमेटिक दिखा देता हूँ, है ना, इसी डायग्राम को मैं थोड़ा क्या करता हूँ सिस्टमेटिक दिखाता हूँ, तो देखिए सिस्टमेटिक कैसे दिखाता हूँ, देखिए देखो ये थोड़ा सा फ्रेंड्स मैं पहले स्विच करवाता हूँ, फिर जिससे आपको थोड़ा सा डायग्राम क्या कर ले लगे सिस्टमेटिक, देखिए आपको, है ना, थोड़ा स्विच कर डायग्राम को आप फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, इस डायग्राम को आप लोग क्या देखिए ध्यान से देखिए और बताइए क्या कुछ ऐसा ही है जैसा मैंने बनाया था आपके लिए, बताइए कुछ ऐसा ही है क्या जैसे मैंने बनाया था, हाँ या ना करके जवाब दीजिए। अरे दोस्त मुझे, मैंने कुछ ऐसा बताया था, नहीं बताया था कि यहाँ से जैसे मान लो ये आपका क्या सम्प लेवल है, यहाँ से उठाना है, ये नीचे स्ट्रेनर लगी रहती है, छलनी लगी रहती है, यहाँ से पानी आएगा, यहाँ से पानी आएगा, यहाँ से पानी आता है, ये तो अपना इंपेलर तो घूम ही रहा था भाई साहब, अपना इंपेलर तो घूम ही रहा था, और इसके अंदर जो पहले से पानी है इसको क्या कर रहा है, ये बाहर फेंक रहा है, बाहर फेंक रहा है, तो यहाँ पर इस जगह क्या हो जाएगा, लो प्रेशर रीजन, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ से अपने आप क्या कर लेगा, सक कर लेगा पानी को, अपने आप क्या कर लेगा, ये सक कर लेगा, क्लियर। और फ्रेंड्स ऑब्वियसली घूम रहा है तो बाहर फेंकेगा, और ये जैसे जैसे आता जा रहा है, देखो एरिया बढ़ता जा रहा है नहीं बढ़ता जा रहा, जैसे जैसे आता जा रहा है एरिया बढ़ता जा रहा है नहीं बढ़ता जा रहा, तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा तो फ्रेंड्स क्या इजीली राइज कर जाएगा, निकट जाएगा, मुझे बताइए इतनी बात समझ में आई। दूसरा डायग्राम बता दूं इसी का, बहुत बढ़िया, दूसरा डायग्राम और बताता हूं इसी का ही, थोड़ा सा अलग से फील करवाता हूं। अब यहां से देखो, थोड़ा मैं पीछे वाला व्यू दिखा रहा हूं इसमें, कि यहां से पानी आ रहा है, यहां से पानी आ रहा है, ये आपके इंपेलर, देखो ऐसा होता है आपका इंपेलर, ठीक है, ये आपका ऐसा इंपेलर है, क्लियर। इसमें फ्रेंड्स क्या लगी होती है, ब्लेड ऐसे लगी होती है, ऐसे ब्लेड लगी होती है, ऐसे ब्लेड लगी होती है, क्लियर, ऐसे ब्लेड लगी होती है, और ये अब आपका घूम रहा है, क्लियर। तो फ्रेंड्स अब आपको पता है जैसे जैसे ऐसे जाता जा रहा है, इधर एरिया बढ़ता जा रहा है, नहीं बढ़ता जा रहा, फ्लो ऐसे आउट हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह का में आ गया। एक स्टेप आगे चले फ्रेंड्स, थोड़ा सा एक स्टेप हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड ध्यान से समझिएगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्लियर। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, देखिए फ्रेंड्स अभी मैंने आपको क्या बताया, एक शाफ्ट होती है, शाफ्ट के ऊपर क्या होता है, इंपेलर होता है। जिसने यहां पर समझ लिया, फालतू का दिमाग लगाया, तो कभी भी टॉपिक क्लियर नहीं होगा, जैसे बता रहा हूं समझो तो सही। ये आपकी बैकवर्ड कर्व्ड वेन होती है, ब्लेड बोल सकते हैं, वेन बोल सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स ये आपका क्या होता है, ये ऐसा होता है, क्लियर। अब मुझे एक चीज बताइए,
ध्यान से समझिए, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ, कोई भी एक शाफ्ट है, ठीक है, ये इसका एक्सिस है, मतलब एक ऐसा एक्सिस है, या फिर आप बोल सकते हो थोड़ा ऐसे इमेजिन कर सकते हो, कोई एक शाफ्ट है, क्लियर, कोई एक ऐसी शाफ्ट है, ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका क्या है, सेंटर एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस है, क्लियर, और ये ओमेगा वेलोसिटी से क्या कर रही है, घूम रही है। ओमेगा इसका क्या, कोणीय वेग है, जैसे मान लो मैं इधर इसका ये, यहाँ से आप लोग देखोगे, यहाँ से आप लोग देखो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, तो मैं बोल रहा हूँ ये मान लीजिए ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, क्लियर। और यदि इसकी रेडियस यदि आर है, यदि इसकी रेडियस आर है, तो इस पॉइंट पे आप लोग जानते हैं, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी क्या होगी, आर ओमेगा होगी, नहीं होगी, मुझे बताइए, आर ओमेगा, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी तो पूरे पॉइंट के लिए सेम रहेगी, लेकिन इस पॉइंट पे यदि मैं लीनियर वेलोसिटी मानूं तो कितनी होगी, आर ओमेगा, इस पॉइंट पे मानूं तो वही आपका आर ओमेगा, इस पॉइंट पे आर ओमेगा, इस पॉइंट पे आर ओमेगा, इतनी बात समझ में आई, समझ में आई। फिर दूसरा क्वेश्चन है मेरा, चलो ठीक है, शाफ्ट है आपकी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, क्लियर। ऑब्वियसली यदि मान लो आप इस पे ना बहुत सारी मिट्टी रख दो, बहुत सारी आप मिट्टी रख दो, मिट्टी भी ऐसे घूमेगी, ठीक है, मिट्टी घूमेगी। मैंने बोला है इसके सेंटर से, इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, ये जो स्मॉल आर डिस्टेंस है इस पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो इस पे वेलोसिटी क्या होगी, स्मॉल आर इंटू ओमेगा होगी, नहीं होगी, इतनी बात समझ पा रहे हो, स्मॉल आर इंटू ओमेगा होगी, नहीं होगी, बताइए, स्मॉल आर इंटू ओमेगा होगी, क्लियर होगी। तो यही कॉन्सेप्ट मैं इधर यूज कर रहा हूं, कैसे देखते हैं, देखिए अब क्या कर रहा हूं, ये जो वेन है ना, ये जो आपकी ब्लेड है ना, मैं इसको उठा रहा हूं, ब्लेड को क्या कर रहा हूं, मैं उठा रहा हूं, ये किस दो के, इन दो के बीच में है ना, इन दोनों के बीच में, तो मैंने ये जो आपका माना कि जो आपका ये जो शाफ्ट है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, तो ऑब्वियसली आपका ओमेगा, ये जो इंपेलर है ये भी ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा होगा, क्लियर। मैंने आपको एक चीज बताई थी, पेरिफेरल वेलोसिटी, क्लियर, कि जैसे मान लीजिए कि अगर ये आपका फ्रेंड्स क्या है, कोई भी एक मान लो शाफ्ट है, इस पे आपने ऐसे प्लेट लगा दी, 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 क्लियर, और ये अगर एन आरपीएम से घूम रहा है, एन आरपीएम की स्पीड से, आरपीएम का मतलब क्या है, रोटेशन पर मिनट, ठीक है, यानी मैं बोलूं 60 आरपीएम है, तो 60 आरपीएम का मतलब क्या है, ये एक मिनट में 60 चक्कर लगा रहा है, नहीं लगा रहा, लगा रहा है। तो यदि मैं इसकी अगर यहां से सेंटर से आर डिस्टेंस की बात करूं, सेंटर से यदि मैं आर डिस्टेंस की बात करूं, है ना, यदि मैं इसकी रेडियस में आर लूं, क्लियर, इसके रेडियस में यदि आर लूं पूरे, तो इसकी जो एक वेलोसिटी बताई थी मैंने, पेरिफेरल वेलोसिटी, पाई डी एन अपॉन 60, बताइए, बताया था नहीं बताया था, क्लियर। तो फ्रेंड्स ये आपका क्या है, पाई डी एन अपॉन 60, इसकी क्या होती है, पेरिफेरल वेलोसिटी, ये चीज मैंने आपको इंपैक्ट ऑफ जेट में बताई थी। तो यहां पर भी वही केस है, ध्यान से देखो, अब ये ब्लेड है ना, इस ब्लेड को मैं उठा रहा हूं, एक ब्लेड को उठा रहा हूं और मैं इसी पे पूरी अपनी स्टडी कर रहा हूं, क्लियर, इस चीज को मिटा रहा हूं, ध्यान से देखो, ये आपने ब्लेड बना दी, ये कुछ ऐसे आपने बना दिया, क्लियर, और मैंने ये बना दी ब्लेड, ये मैंने बना दी ब्लेड, बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत। फ्रेंड्स एक चीज बोल रहा हूं, आपके लिए टॉपिक समझना बहुत मुश्किल होगा, कारण क्या है, क्योंकि यदि आप लोग टरबाइन पढ़ते तो टरबाइन से इजीली रिलेट हो जाता है ये, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो मेरी गारंटी है ये टॉपिक का एक भी क्वेश्चन नेट किएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है, वेलोसिटी ट्रायंगल रटना ही है, मैं सीधी से बात बताऊं तो रटना ही है, रटना ही है, रटना ही है, क्लियर, लेकिन रटेंगे तो ढंग से तो रटे, ढंग से तो रटे, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने क्या बोला था, देखो ये आपकी कुछ ऐसी चीज थी, ठीक है, कोई ऐसी चीज थी और उसके अंदर क्या थी, ऐसे ब्लेड 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 थी, क्लियर। तो यदि मैं इधर बात करूं इस पॉइंट की, है ना, यदि इसका इनर डायमीटर, यदि इसका इनर डायमीटर डी वन है, यदि इसका इनर डायमीटर डी वन है, और यदि इसका आउटर डायमीटर यदि डी टू है, क्लियर, तो फ्रेंड्स यहाँ की जो वेलोसिटी होगी, अंदर वाली जो पेरिफेरल वेलोसिटी होगी क्या, वो हो जाएगी पाई डी वन एन अपॉन 60, बताइए, और जो बाहर वाली होगी, बाहर वाली जो पेरिफेरल वेलोसिटी होगी, बाहर वाली जो पेरिफेरल वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, पाई डी टू एन अपॉन 60 होगी या नहीं होगी, होगी, क्लियर, होगी, ठीक है। अब फ्रेंड्स आप मुझे बताइए इसके सेंटर में क्या पानी है, पानी क्या जाएगा, बाहर जाएगा, अरे पानी बाहर जाएगा नहीं जाएगा, जो पानी है वो बाहर जाएगा नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा नहीं जाएगा पानी, क्लियर। तो फ्रेंड जो वाटर जो अंदर एंटर कर रहा है,
जो एंटर कर रहा है, जो एंटर कर रहा है, ये मैंने माना ये बिल्कुल स्ट्रेट कर रहा है, ठीक है। ये हम लोग इसमें क्या मान के चलते हैं, अजम्पशन मान के चलते हैं, बिल्कुल रेडियली इन हो रहा है, बिल्कुल रेडियली इन हो रहा है, ये ऐसा आपका वाटर हो रहा है, ठीक है ना। जो वाटर आ रहा है ध्यान से समझना प्लीज, एक बार चीजें क्लियर कर दूंगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका इक्वेशन में अटकेगा, प्लीज ध्यान से समझना, मन में डाउट मत लाना, वरना जिंदगी में डाउट रह जाएगा इस चैप्टर में, ठीक है। हम लोगों ने क्या माना, इस वेलोसिटी को मैंने बोला V1 वेलोसिटी, ठीक है। ये V1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ जेट, जो पानी की धार आ रही है ना जेट, उसकी वेलोसिटी है। तो V1 को मैं बोल रहा हूँ एब्सोल्यूट वेलोसिटी, एब्सोल्यूट क्यों बोल रहा हूँ, अभी देखो, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट एट इनलेट, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट एट इनलेट, ठीक है भाई। फ्रेंड्स मुझे बताइए, ये जो आपकी जो ब्लेड है, ऑब्वियसली यदि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से यदि ऐसे शार्प की घूमती जा रही है तो क्या ब्लेड भी ऐसे घूमती जाएगी, नहीं घूमती जाएगी, अब पहले इधर है, फिर इधर घूमती जाएगी, नहीं घूमती जाएगी, ठीक है। मैंने माना ये जो ब्लेड है अभी स्टेशनरी है, रेस्ट कंडीशन में, पानी की जेट आ रही है, क्लियर। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर ये स्टेशनरी रहती तो कुछ ऐसे आती, लेकिन ये भी तो मूव करेगी, बिल्कुल करेगी। तो मुझे बताइए, जो ये वाला पॉइंट है, जो अंदर वाला पॉइंट है, उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, पाई D1 एन अपॉन 60, मैं U1 नाम दे रहा हूँ, ठीक है। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पर होगी। तो इस पॉइंट पर जो फ्रेंड्स रिलेटिव वेलोसिटी आते हुए दिखेगी, रिलेटिव वेलोसिटी तो यहाँ से नहीं देखी, कहीं और से आते हुए दिखेगी, क्लियर। कारण क्या है, क्योंकि ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, लेकिन इस पॉइंट पे जो पेरिफेरल वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या है, ये वाली है, ये मैंने माना U1, ये क्या है U1, इसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इनलेट पर, हम लोग कहां बात कर रहे हैं, इनलेट है, ये इनलेट है और ये आपका आउटलेट है। इनलेट की बात कर रहा हूँ, एंट्री की बात कर रहा हूँ, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी माइनस पेरिफेरल वेलोसिटी, ठीक है। तो फ्रेंड्स मुझे बताइए, जो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वो कुछ कैसे आएगी, वो कुछ ऐसे आएगी। आप बोलोगे कैसे आई, ऐसे कैसे आई, तो ध्यान से समझो, ये होना चाहिए था, थोड़ा सा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगेगा, ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी भी एक वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो यहाँ से यू वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, VR वेक्टर माइनस V वेक्टर लिख सकता हूँ, क्लियर लिख सकता हूँ, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, V माइनस VR वेक्टर, सॉरी। या फिर आप लोग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कि V वेक्टर इज इक्वल्स टू U वेक्टर प्लस VR वेक्टर लिख सकता हूँ। तो फ्रेंड्स ये जब भी सेटिस्फाइड करेगी, क्योंकि आपने इसको क्या नाम दिया, VR1, है ना। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है, कि यदि कोई एक वेक्टर है, ये जिसकी क्या है फ्रेंड्स, टेल है, हेड है, क्लियर, दूसरे वेक्टर से जोड़े, यदि एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल से जोड़े, तो ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका ये। और फ्रेंड्स जो तीसरा आएगा, क्लियर, जो फ्रेंड्स इसका जो दोनों वेक्टर का सम्मिशन होगा, तो कैसे जुड़ता है, ऐसे ऐसे फिर ऐसे नहीं करके, ऐसे होता है ना, तो V बराबर U प्लस VR होता है ना। ये V1 क्या है, इन एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट है इनलेट पे, U क्या है, पेरिफेरल वेलोसिटी है, और VR क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट। तो आपको कुछ भी याद नहीं रखना, ये सब बकवास है, सिर्फ आपको ये वेलोसिटी ट्रायंगल याद रखना है कि ऐसे जाएगा, क्लियर, ऐसे जाएगा, बताइए याद रह जाएगा, नहीं रह जाएगा, ऐसा बताइए। और ये जो एंगल बना, इस एंगल को मैंने नाम दे दिया थीटा, इस एंगल को मैंने नाम दे दिया थीटा, बस। देखो जब इंजेक्शन लगवाते हैं, है ना, जब हम लोग छोटे थे तो डॉक्टर बोलते हैं ना, तो बस हो गया, तो बस आपको 15 मिनट तक थोड़ा सा समझना है, फिर बोलूंगा बस थोड़ा सा और समझ, बस हो गया, बस ये यहाँ का तो काम हो गया, ऐसे थोड़ा सा यहाँ पर समझना है, यहाँ का काम होता है, बस हो गया, कुछ भी नहीं है, पूरा सेंट्रीफ्यूगल पंप खत्म हो जाएगा, क्लियर। तो फ्रेंड जो ये एंगल बनाना थीटा, इस एंगल को मैं क्या नाम दे रहा हूँ थीटा होता है आपका, इसको बोलते हैं ब्लेड एंगल एट इनलेट। देखो थोड़ी सी दिक्कत आपको इसलिए आ सकती है फ्रेंड्स, क्योंकि आपने टर्बाइन नहीं पढ़ा है,
लेकिन अब जिंदगी भर ऐसे रोते रहेंगे हम लोग, क्या टर्बाइन नहीं पड़ा है, कैसे आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ऐसे वेलोसिटी ट्रायंगल याद रखना है, क्वेश्चन मैं करवाऊंगा पूरी गारंटी, थोड़ा सा विश्वास रखना पड़ेगा। तो ब्लेड एंगल एट इनलेट, क्योंकि ये देखो मैं अभी आपको टर्बाइन करवा भी देता लेकिन यार कम से कम 7-8 क्लासेस उसमें लग जाती है ना, 7-8 क्लासेस लग जाती है, तो अपन का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा उससे अकॉर्डिंग करना है। मैं फिर समझा देता हूँ, ध्यान से समझो, हम लोगों ने क्या बोला है, वाटर की जेट आ रही थी है ना। हम लोग फ्रेंड्स अजम्पशन मान के चलते हैं कि जो वाटर की जेट आ रही है बिल्कुल रेडियली इन आ रही है, बिल्कुल रेडियल इन आ रही है, तो इसको मैंने V1 वेलोसिटी नाम दिया। तो V1 क्या है आपका, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट एट इनलेट। लेकिन आपको पता है ये जो ये वाली ब्लेड है ये भी तो मूव करेगी, ये भी तो मूव करेगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, U1 πD1 n/60 इस डायरेक्शन में होगी। क्लियर? तो यहाँ की अगर रिलेटिव वेलोसिटी देखनी तो रिलेटिव वेलोसिटी मैं जानता हूँ एब्सोल्यूट वेलोसिटी माइनस दिस। क्लियर? तो फ्रेंड्स आपको कैसे पता ये ऐसे आएगी, क्योंकि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से आप लोग जानते हैं यदि कोई भी दो वेक्टर का सम है, V1 है, U1 वेक्टर और VR1 वेक्टर, किन्हीं भी दो वेक्टर का सम यदि V1 है, ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब आपका ये U1 वेक्टर प्लस VR1 वेक्टर बराबर V1 कब होगा, जब फ्रेंड्स आपका ये इसकी टेल इसकी हेड से जुड़े। क्लियर? जिस वेक्टर के साथ में ऐड करना है और उसकी टेल इस वाले हेड से जुड़े। क्लियर? और जिसके बराबर लाना है तो फ्रेंड्स क्या होना चाहिए, जो उसका हेड इसके हेड के बराबर, तो ये आपका कुछ ऐसा आएगा। और ये जो एंगल बना थीटा, ये मैंने आपको क्या बोला, इसको बोलते हैं ब्लेड एंगल एट इनलेट। क्लियर? ये पंप की बात है, जब हम लोग टर्बाइन में पढ़ते हैं टर्बाइन में ऐसे बनती है, टर्बाइन में कुछ ऐसा बनता है, ये आपका ये V1 बनता है, ये आपका फ्रेंड्स क्या बनता है, ये U1 बनता है, ये V1 बनता है, और वहां पर जो VR1 बनता है ना वो ऐसा बनता है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ पंप से मतलब ये ऐसा बनेगा। क्लियर? और फ्रेंड्स जो ये एंगल बनता है ना, ये जो एंगल बनता है, ये एंगल है आपका अल्फा, ये हमेशा 90 डिग्री बनेगा। किस केस में? पंप के केस में। ये अल्फा बोल रहा हूं, अल्फा बराबर 90 डिग्री। अब आप बोलोगे ये अल्फा क्या होता है, तो मैं लिख देता हूं अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, ठीक है, अल्फा क्या है आपका, एंगल बिटवीन वेलोसिटी, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ जेट एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ब्लेड, क्योंकि जो आपकी ब्लेड है किस डायरेक्शन मोशन कर रही है, इस डायरेक्शन में, ऐसे तो घूम रही है, तो इसकी डायरेक्शन के बीच में और वेलोसिटी की डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल बन रहा है, अल्फा, और ये हमेशा 90 डिग्री होगा सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में। क्लियर? दूसरी बात ध्यान से समझो, बताइए, क्लियर? हाँ, तो इसको थीटा को क्या बोलेंगे, ब्लेड एंगल एट इनलेट, बताइए। फ्रेंड दूसरी बात क्या है, मुझे एक बात बताइए, आप दिल से बताइए, U1 की वैल्यू ज़्यादा होगी या U2 की वैल्यू? U1 मैं बोल रहा हूँ πD1 n/60 होता है और U2 होता है πD2 n/60। मुझे बताइए किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी? U2 की वैल्यू ज़्यादा आएगी। इसका मतलब अगर ये U1 आपका इतना आ रहा था तो U2 तो थोड़ा और ज़्यादा आएगा, बताइए। मतलब यहाँ पर जो U2 आएगा थोड़ा और ज़्यादा आएगा, नहीं आएगा? अरे बताइए, और ज़्यादा आएगा नहीं आएगा, बताइए बताइए। तो फ्रेंड जो यहाँ पर जो वेलोसिटी ट्रायंगल बनेगा कुछ कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा, ये आपका VR2 होगा। क्लियर? ये आपका U2 होगा, थोड़ा बड़ा होगा। क्लियर? और ये आपका फ्रेंड्स क्या होगा, ये आपका V2 होगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि जो आप बोलोगे कि V2 आपने इधर ही क्यों लिया, इधर ले लेते VR2 इधर ले लेते, तो दोस्त ध्यान रखिए जो VR, क्योंकि आपको पता है U2 की डायरेक्शन तो यही है, तो आप जानते हो जो रिलेटिव वेलोसिटी एग्जिट पे होगी वो क्या होगी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट एग्जिट माइनस आपकी ये वाली वेलोसिटी, पेरिफेरल वेलोसिटी। क्लियर? तो फ्रेंड्स आपका जो वेलोसिटी एट 2 होगा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, वो क्या हो जाएगा आपका VR2 प्लस U2 होगा, नहीं होगा? तो ये चीज़ें कब पॉसिबल है, ये चीज़ें जब भी पॉसिबल है, जब ये आपका VR2 इस डायरेक्शन में हो, U2 तो इस डायरेक्शन में है। क्लियर? सॉरी, ये U2 तो आपका इस डायरेक्शन में है ही। क्लियर? और ये जब V2 होगा तभी ये चीज़ें पॉसिबल होगी। क्लियर? तो फ्रेंड ध्यान से रखिए, यहाँ पर जो एंगल बना, इस एंगल को मैंने नाम दे दिया फाई, इस एंगल को मैंने नाम दे दिया फाई। फाई कुछ भी नहीं है, जैसे आपका थीटा ब्लेड एंगल एट इनलेट था, सिमिलरली फाई आपका क्या है, फाई आपका क्या है, ब्लेड एंगल एट आउटलेट। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस हो गया काम, ब्लेड एंगल एट आउटलेट,
एट आउटलेट, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, आप इसको मैक्सिमम शेयर करो। आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, अपना नया सब्जेक्ट वैसे भी स्टार्ट होगा, क्योंकि जब नया चाहता हूँ जब नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो मैक्सिमम स्टूडेंट लाइव आए, क्योंकि इसमें तो क्या है जो पुराने स्टूडेंट हैं वही देख पाएंगे जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं, क्लियर। क्योंकि आपको पता है चीज़ें रिलेटेड है, ये बाकी सब्जेक्ट्स की जैसे नहीं होती, फिजिक्स की जैसे नहीं होती, जनरल साइंस की या किसी और सब्जेक्ट की वजह से नहीं होती कि एक टॉपिक पढ़ा सीधा दूसरे पे हम लोग जिसका कोई रिलेशन नहीं है, क्लियर। यहाँ पर फ्रेंड्स सारी चीज़ें रिलेटेड है। जो फाइव बना इसको मैंने क्या नाम दिया, ब्लेड एंगल एट आउटलेट, और यहाँ पर जो एंगल बना, यहाँ पर जो एंगल बना, इस एंगल को मैं नाम दे रहा हूँ बीटा, इस एंगल को नाम दे रहा हूँ बीटा। तो फ्रेंड्स बीटा क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात, बीटा क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ जेट एट एग्जिट एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ब्लेड, ये आपका बीटा हो जाएगा। अब देखो पूरा ट्रायंगल अपना बन गया, पूरा काम हो चुका अपना, कुछ भी नहीं बचा इसमें, पूरा काम हो चुका, कुछ भी नहीं बचा, पूरा काम हो चुका, ठीक है। एक चीज अब यहां पर बची है, तो ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, इस स्लाइड को मैं ऐसी कैसे रहने दे रहा हूं, इसकी मैं कॉपी कर लेता हूं जिससे मैं ये चीजें रफ कर सकूं, लेकिन आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, क्लियर, जिससे मैं यहां पर कुछ लिख सकूं। तो देखिए देखिए, ये आपको क्या था, V1 था फ्रेंड। जैसे मान लीजिए कि यदि ये आपकी लेंथ कितनी हो, L हो, ये L, यदि इसकी लेंथ L हो, क्लियर, और यदि ये एंगल थीटा हो, यदि ये एंगल थीटा हो, तो ये लेंथ कितनी बनेगी, इसका प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कितना आएगा, L cos थीटा आएगा, नहीं आएगा, L cos थीटा बताइए आएगा। और इसका जो बिल्कुल यहाँ से टॉर्च डालेंगे, जो यहाँ से इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन आएगा, वो क्या आएगा आपका, L sin थीटा आएगा, नहीं आएगा, L sin थीटा आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो सेम के जो फ्रेंड्स आपका एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट इनलेट होता है ना, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है ना, वो क्या आएगा, क्या यही आएगा, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है क्या वो यही आएगा, अरे कोई चीज़ बिल्कुल वर्टिकल है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, यही आएगा। अगर मैं पूछूं इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, इसका तो कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा नहीं, अगर कुछ एंगल बनता, कुछ एंगल बनता तब जाके इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता, अगर बिल्कुल वर्टिकल है तो इसका क्या होगा फ्रेंड्स, कुछ भी कंपोनेंट नहीं आएगा, समझ गए। तो फ्रेंड्स इसका मैं एब्सोल्यूट जो वेलोसिटी होती है ना, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, एक होता है इसका वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, एक क्या होता है वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट को बोलते हैं फ्लो वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, फ्लो वेलोसिटी, क्लियर। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, वर्ल वेलोसिटी, वर्ल WHIRL वर्ल वेलोसिटी ये बोलते हैं, क्लियर। तो फ्रेंड्स मुझे बताइए कि यहां पर V1 ही VF1 के बराबर हो जाएगा, बताइए क्या V1 ही VF1 के बराबर हो जाएगा, नहीं होगा बताइए। और यदि मैं बात करूं उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया, क्या आया, कुछ भी नहीं आया। तो यदि मैं बात करूं यहां पर VW1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अरे इतनी बात समझाओ, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, बहुत ही बढ़िया आ गई, क्लियर। तो फ्रेंड ध्यान से समझिए, अगर इधर भी मैं ऐसे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं ऐसे, ठीक है, ऑब्वियसली वर्टिकल करी है, ये हॉरिजॉन्टल थी, ये एंगल भी 90 होगा, ये एंगल भी 90 होगा, ठीक है। अगर मैं पूछूं यहां पर कि यहां पर वर्ल वेलोसिटी कितनी आएगी, वर्ल वेलोसिटी, तो वर्ल क्या होता है, वर्ल क्या होता है, जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होता है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो मुझे बताइए क्या जो वर्ल कंपोनेंट आएगा, ये वाला आएगा, नहीं आएगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, बताइए ये क्या VW2 ये होगा या नहीं होगा, बताइए होगा या नहीं होगा, होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि एग्जिट पे फ्लो वेलोसिटी कितनी होगी, मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं एग्जिट पे फ्लो वेलोसिटी कितनी होगी, बताइए कौन सा वाला होगा, बताइए बताइए कौन सा होगा इसका। फ्रेंड्स वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, यही तो आएगा, तो क्या ये होगा, नहीं होगा, बताइए ये चीज, ये तो ये आपकी क्या हो गई VF2, ये वाला, ये वाली चीज, ठीक है। तो फ्रेंड्स पूरी कहानी खत्म हो गई, अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन बाकी, एक बार स्विच करवाता हूं जिससे आपको आराम से दिख जाए, बताइए।
बहुत बढ़िया। अब पूरा खेल इसी का ही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने कॉपी में बना लीजिए, क्योंकि जो मैं आगे अभी कैलकुलेशन करवाने वाला हूँ इस डायग्राम का अपने पास काम में आएगा। क्लियर? चलिए फ्रेंड्स करते हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है नहीं होता? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है नहीं होता? बताइए, संवेग में परिवर्तन की दर होता है नहीं होता? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बताइए। सिमिलरली जो आपका टॉर्क होता है, जो टॉर्क होता है वो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ मोमेंटम। अब भाई ये क्या नई कहानी आई है? कुछ भी नई कहानी नहीं है, पागल बनाने का काम है। सिर्फ आपको मैंने क्वेश्चन करवाया था, एसएससी जेई में क्वेश्चन आ रखा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, पागल बनाने का काम है कि मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्या है। देखो मेरी बात समझो, जैसे मान लीजिए कोई भी एक, ये आपने क्या लिया, एक धागा लिया, धागे से आपने क्या बांधा, पत्थर बांधा, स्टोन बांधा। ऑब्वियसली ये पत्थर ऐसे जाएगा नहीं जाएगा, मान लीजिए ऐसे जाएगा नहीं जाएगा। तो यदि इस पॉइंट पे यदि वेलोसिटी v है, यदि इसका मास m है, तो अगर मैं पूछूं लीनियर, ये जो रेखा में रेखीय वेग, रेखीय संवेग कितना होगा, लीनियर मोमेंटम कितना होगा, मास इनटू वेलोसिटी होगा नहीं होगा? क्लियर? एक होता है फ्रेंड्स एंगुलर मोमेंटम, है ना, जैसे इसको हम लोग p से डिनोट करते हैं। सिमिलरली एक होता है आपका एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जो आपका लीनियर मोमेंटम होता है इनटू दिस डिस्टेंस, ये किसके बराबर, रेडियस के बराबर। तो फ्रेंड्स ये आपका क्या हो जाएगा, एम वी आर। क्लियर? तो फ्रेंड्स ये जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम किस रेट से चेंज हो रहा है, ये किसके बराबर होता है, टॉर्क के बराबर। जैसे आपका जो लीनियर मोमेंटम होता है किस रेट से चेंज हो रहा है, वो किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर। सिमिलरली जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ये जो मोमेंट है, ये जो मोमेंट है, इस मोमेंट का ही तो मोमेंट लिया है, मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो यदि मैं मोमेंटम का मोमेंट लूँ, इसका मतलब इसको मैं इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूँ, तो मुझे बताइए मोमेंट ऑफ मोमेंटम मिलेगा नहीं मिलेगा? तो फ्रेंड्स इसका मतलब यही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को आप लोग बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई। तो फ्रेंड्स अब ये कैसे निकाले, ये कैसे निकाले? चलो चेंज का तो मैंने लिख दिया, एम फाइनल मान लो, वी फाइनल, आर फाइनल मान लो, लेकिन रेट कैसे निकाले? रेट का मतलब नीचे टाइम मल्टीप्लाई करना, टाइम डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? और ये एम अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, जैसे माइनस एम एफ वी एफ आर एफ माइनस एम आई आर आई वी आई, ये टाइम करना पड़ेगा, मास तो कॉन्स्टेंट रहेगा, तो मास को मैं भाड़ लूँ, मास एम अपॉन टी, ये क्या बन जाएगा, आपकी मास फ्लो रेट बन जाएगी नहीं बन जाएगी, बताइए मास फ्लो रेट बन जाएगी नहीं बन जाएगी? तो फ्रेंड्स इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ध्यान से अब आप लोग समझिए, ठीक है? कहानी को मैं पूरा आपको कहानी की तरह वापस बताता हूँ। सबसे पहले अपने पास क्या थी, शाफ्ट थी। शाफ्ट का काम क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, शाफ्ट का काम क्या है, इंपेलर को घुमाना। इंपेलर का काम क्या है, इंपेलर का काम क्या है, जो फ्लूड इसके अंदर था उसको एनर्जी देना। अरे बताइए उसको एनर्जी देना ही नहीं देना, ठीक है? तो अगर मैं बात करूं, ये जो घूम रही है, जो ये इंपेलर घूम रहा है, इसको कुछ ना कुछ तो पावर देनी पड़ेगी ना, जो शाफ्ट पावर दे रहा है, समझ रहे हो बात? तो फ्रेंड्स इंपेलर ने कितनी पावर क्रिएट करी, इंपेलर ने कितनी पावर क्रिएट करी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंपेलर पावर। इसको फ्रेंड्स हम लोग क्या बोलते हैं, इंपेलर पावर। समझ गए? तो पहले मैं इंपेलर पावर की बात नहीं कर रहा, ऑब्वियसली कोई चीज़ घूमती है, कोई चीज़ को मोशन कराने के लिए, ऐसे डिस्प्लेस कराने के लिए जैसे फोर्स की जरूरत होती है, सिमिलरली किसी चीज़ को एंगुलर डिस्प्लेस कराने के लिए, उसको घुमाने के लिए टॉर्क की जरूरत पड़ती है। तो टॉर्क क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया, टॉर्क क्या हो जाएगा आपके पास, मास फ्लो रेट चेंज इन वी डब्ल्यू टू आर टू, वी डब्ल्यू टू आर टू माइनस वी डब्ल्यू वन आर वन हो जाएगा। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, वो डायग्राम देख के बताइए, आप सीधा फॉर्मूला भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताइए वी डब्ल्यू वन कितना आया था, जल्दी से बताइए वी डब्ल्यू वन कितना आया था, वी डब्ल्यू वन कितना आया था, मुझे बताइए वी डब्ल्यू वन कितना आया था। आप जानते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में जो वी डब्ल्यू वन आया था वो क्या आया था, जीरो आया था। बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, मास फ्लो रेट आप जानते हैं रो इंटू क्यू, और ये क्या हो जाएगा, वी
W2R2। ये W2 क्या है? आपका वर्ल कंपोनेंट, ठीक है, और ये W1 क्या है? वर्ल कंपोनेंट एट इनलेट, और ये क्या है? वर्ल कंपोनेंट एट आउटलेट। तो ये रो क्यू क्या हो जाएगा आपका? V W2 R2। क्लियर? ये आपके पास फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? टॉर्क हो जाएगा। पावर क्या होता है? जैसे पावर आपका फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, लीनियर वेलोसिटी। सिमिलरली फोर्स की जगह यदि हम लोग टॉर्क ले तो वेलोसिटी कौन सी हो जाएगी? एंगुलर वेलोसिटी। तो पावर आपका क्या होता है? टी इंटू ओमेगा। ओमेगा क्या है? जो घूम रहा है इंपेलर, किसी कोणीय वेग से घूम रहा होगा। तो पावर क्या हो जाएगा? टॉर्क इंटू ओमेगा, यानी रो क्यू V W2 R2 इंटू ओमेगा। फ्रेंड्स मुझे बताइए ओमेगा इंटू आर टू क्या हो जाएगा? ओमेगा इंटू आर टू क्या हो जाएगा? क्या U2 हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो पावर की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को बताइए? रो क्यू V W2 U2। ये हमारे पास पावर आ गई। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? एक बार देखोगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे पास पावर आ गई। कौन सी पावर है? इस पावर को हम लोग बोलेंगे इम्पेलर पावर। इस पावर को हम लोग क्या बोलेंगे? इम्पेलर पावर। बताइए, बहुत ही बढ़िया, क्लियर। तो इम्पेलर पावर अपने पास में आ गई। अब हम लोगों को क्या करना है? आपने सिलेबस में देखा होगा, आपके एक टॉपिक दे रखा है डिफरेंट एफिशिएंसीज, ठीक है। अरे बताइए, सिलेबस में दे रखा है नहीं दे रखा डिफरेंट एफिशिएंसी? हाँ या ना? तो वो एफिशिएंसी कैसे निकलेगी भाई? शाफ्ट ने कुछ पावर दी, किसके लिए दी थी? इंपेलर को घुमाने के लिए। तो फ्रेंड्स इंपेलर के पास कितनी पहुंची? शाफ्ट ने कितनी दी? एक एफिशिएंसी यहां से निकलेगी। एक एफिशिएंसी क्या होगी? इंपेलर के पास इतनी थी, इंपेलर ने उस लिक्विड को कितनी दी? एक एफिशिएंसी यहां से निकलेगी। तो अब कुछ भी काम नहीं है, बस यहां तक मेरा समझाने का था, वेलोसिटी ट्रायंगल समझाने का। अब तो पूरा बच्चों वाला खेल, अब तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। जिसको समझने में कोई दिक्कत हो एक बार वापस देख लेना, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो पावर मैंने समझा दिया, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए। अभी इसी के कंटिन्यूशन में परेशान मत होइए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, यूलर हेड। यूलर्स हेड क्या होता है आपका? इंपेलर पावर अपॉन जो फ्रेंड्स क्या है, जो भी आपका मास है उसका कुछ ना कुछ वेट होगा, जो भी लिक्विड है। तो क्या हो जाएगा? वेट पर यूनिट टाइम आप लोग बोल सकते हो। मतलब बोलना क्या चाह रहा हूँ, यूलर साइड क्या होता है? एक तो जो इंपेलर घूम रहा है उसके पास कुछ पावर है ही, और उसमें पास में जो लिक्विड है ना, जो वाटर है, उसका कुछ ना कुछ वेट होगा ही नहीं होगा, बताइए। तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली वो वेट क्या कर रहा होगा फ्रेंड्स? आपका जो भी लिक्विड है मोशन कर रहा होगा, तो पर यूनिट टाइम उस इंपेलर के अंदर कितना वाटर का वेट है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? यूलर साइड क्या हो जाएगा? इंपेलर पावर अपॉन वेट अपॉन टाइम। जैसे मान लो मैं बोलूँ एम द्रव्यमान है, एम मास है, तो वेट कितना हो जाएगा? एम जी। तो पर यूनिट टाइम कितना हो जाएगा? एम अपॉन टी, यानी मास फ्लो रेट इंटू जी, और मास फ्लो रेट क्या होता है? रो इंटू क्यू और इंटू जी के बराबर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो इंपेलर पावर आपके पास कितनी आई थी? इंपेलर पावर कितनी आई थी? रो क्यू V W2 U2, रो क्यू V W2 U2, और यहाँ पर कितनी आई? रो क्यू जी। तो रो क्यू से रो क्यू कैंसिल हो गया, तो यूलर्स हेड जो आया, इसको बोलता हूँ मैं यूलर साइड, अपने पास आ गया V W2 U2 अपॉन G। तो फ्रेंड्स अपने आज की क्लास हम लोग यहाँ तक रखेंगे, कल इसको कंटिन्यू करूँगा। मुझे यकीन है आपको थोड़ी सी दिक्कत आई होगी, 100% आएगी, इसमें कोई नहीं। देखो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सारी चीज़ें वो थी। लेकिन टर्बाइन में थोड़ा वेलोसिटी ट्रायंगल में दिक्कत आती है। मैं बोल रहा हूँ जो मैंने दो स्लाइड करवाई ना, अगर इसको समझ लिया, देख लिया, याद रख लिया ना, तो आपका कोई भी क्वेश्चन अटकेगा नहीं, क्लियर। तो इसको कल कंटिन्यू करेंगे, कल अपना सेंट्रीफ्यूगल पंप पूरा खत्म हो जाएगा। और परसों से हम लोग क्या करेंगे दोस्त, नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। मैंने आपका टेस्ट भी लिया है, सोम का भी लिया है, फ्लूइड मैकेनिक्स का भी लिया है, आपको अपनी तैयारी का अंदाजा हो गया होगा किस तरह की चल रही है। अब नया सब्जेक्ट अपना थर्मोडायनेमिक्स चलेगा, तो कल ही अपना कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसके लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक दो बार देखोगे बिल्कुल आराम से आएगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको मैक्सिमम इसको शेयर करने की। बताइए, तो फ्रेंड्स आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, ठीक है।
तो थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। आज के लिए इतना काफी है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। तो कल मिलता है सेम टाइम। इस क्लास की PDF आप वाईफाई स्टडी ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।